जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो जो जानकारी बता रहा हूँ, मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर अगर हम ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेते हैं तो हमें मूल प्रमाण पत्र लेना है, तो वो कितने दिनों में मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा। साथ में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका कोई प्रमाण पत्र खो गया होगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कार्ड हो या एडमिट कार्ड हो या मार्कशीट हो या मूल प्रमाण पत्र हो, अन्य चीज हो सकता है जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है वो खो गया है, तो उनको आप कैसे प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके देखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले आप लोग एक बात की जानकारी रखेंगे, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाता है, पहले मैं खोने वाले के कैंडिडेट को बोल देता हूँ, उसके बाद जिनको कंप्लीट हो गया वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट खो चुका है, चाहे वो मूल प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो या रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, ठीक है, अगर ये चीज खो जाता है तो आप लोगों को विश्वविद्यालय से दोबारा दूसरा डुप्लीकेट मिलेगा, ठीक है। और वो मिलने का तरीका यह है कि आप लोग विश्वविद्यालय जाइएगा, ठीक है, 2 बजे तक, या तो 2 बजे तक ये काम करना है, दिन के 2 बजे तक। सबसे पहले तो आप लोगों को विश्वविद्यालय जाना है 2 बजे तक, उसके बाद जो है आप लोगों को विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस है उसके पीछे अर्थात जिधर डाटा सेंटर रहता है, ठीक है, तो उस साइड में है, आप लोगों को 5 रुपया का A18 का फॉर्म मिलेगा, इस प्रकार के फॉर्म आप लोगों को मिलेगा 5 रुपया का, ठीक है, इसके बाद उसको भरना है और जो वांछित डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है, ठीक है, तो उसको आप लोग अवश्य उसमें इंक्लूड करिएगा, लिखिएगा, उसके बाद जो डिटेल भरने के लिए दिया जाएगा उसको आप लोगों को अवश्य भरना है और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को संलग्न करना है अर्थात लगाना है वो आप लोग लगा दीजिएगा जो मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट कहाँ आना है, तो परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस में, ठीक है, सब फिलअप करके, इसके बाद परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस में जा करके उस पर जो है अपने जो फॉर्म है उस पर सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद आप लोगों को आना है सामने जो विश्वविद्यालय के कैंपस है ना, तो कैंपस में ही है सब कुछ, तो आप लोगों को सामना आना है और पीएनबी के एटीएम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के जस्ट उत्तर साइड में, जैसे तो उत्तर साइड में चालान काउंटर है, तो उस चालान काउंटर पे आप लोगों को चालान कटाना है और वहां पे आप लोगों को किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड लेना चाहेंगे या आप लोग मूल प्रमाण पत्र लेना चाहेंगे या आप लोग को जो भी वांछनीय डॉक्यूमेंट है वो लेना चाहेंगे, 150 रुपया आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, तो आप लोग चालान कटाने के समय में 150 रुपया आप लोगों को लगेगा। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से रसीद देगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की रसीद देगा आप लोगों को, इस पर आपका नाम रहेगा, इसके बाद विश्वविद्यालय का नाम रहेगा, ये रसीद आप लोगों को देगा, तो इसे आप लोगों को संभाल कर रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को फेंक देना है, अगर आप फेंक दीजिएगा तो फिर वही प्रोसेस फिर से आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ये आप रसीद देख सकते हैं, मैं स्क्रीन लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये चीज आप लोगों को, ये रसीद आप लोगों को रखना है। उसके बाद जो है जितने दिन का समय दिया जाएगा वहां पे डॉक्यूमेंट कराता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहते हैं तो मिनिमम 2 से 3 दिन आप लोगों को लगेंगे और हो सकता है तो सेम डे में भी दे देता है, जान पहचान का रहता है तो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर एडमिट कार्ड खो जाता है तो तुरंत के तुरंत एडमिट कार्ड दिया जाता है अगर एग्जाम रहता है तो, और आप लोगों के जो मार्कशीट खो जाता है या मार्कशीट लेना रहता है तो उसमें मिनिमम 15 दिन का समय दिया गया है, 1 महीना तक लग सकता है, ठीक है। और आप लोग अगर मूल प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो मिनिमम 15 दिन या उसके बाद जो है 1 महीना तक लग जाता है, तो इतना चीज होता है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग मूल प्रमाण पत्र जो भी कैंडिडेट छुड़ाना चाहेंगे वो कैसे छुड़ाएंगे, तो देखिए अधिकतर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद मूल प्रमाण पत्र छुड़ाना चाहती है। देखिए मूल प्रमाण पत्र जो बनने का समय रहता है वो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन विश्वविद्यालय हो या बोर्ड हो वो दोनों के द्वारा कम से कम 3 साल का समय लिया जाता है। 3 साल में आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र भी बन जाता है और आप लोगों के प्रदान भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको जरूरत रहता है कि मूल प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके बाद किसी वैकेंसी में उनको मूल प्रमाण पत्र चाहिए तो वो मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है उनको, तो इसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले आप लोगों को जहाँ
मूल प्रमाण पत्र मिलता है ना, परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस है, ऑफिस के जस्ट साइड में बला जो है ना आप लोगों को कमरा मिलेगा, उसमें मूल प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, तो आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उस कॉलेज वहां पे पहले जाना है और बताना है कि मुझे मूल प्रमाण पत्र लेना है। तो वो बताएगा कि मूल प्रमाण पत्र जो है आपके कॉलेज भेज दिया गया है, तो वो अपना लिस्ट दिखाएगा कि देखिए आप लोगों के मूल प्रमाण पत्र कॉलेज भेज दिया गया है। तब आप लोगों को चालान कटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चालान कटाने की जरूरत नहीं है जब कॉलेज भेज दिया है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर के वो मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में नहीं पहुंचा है तो सेम प्रोसेस आप लोगों को करना है, पहले ₹5 का फॉर्म मिला है उस पर सब कुछ भरना है और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे उसको संलग्न करना है, उसके बाद परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस में जाना है, उस पर वेरिफिकेशन सिग्नेचर कराना है। वेरिफिकेशन सिग्नेचर कराने के बाद 2 बजे तक चालान काउंटर पे आना है, 2 बजे चालान काउंटर पे आप लोगों को चालान कटा लेना है 2 बजे तक। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को इस प्रकार के रसीद दिए जाएंगे, ये वाला इसको रखना है और वेट करना है 15 दिन तक। ठीक है, 15 दिन के बाद जो है आप लोगों को ऐसे पूछ लीजिएगा कितने दिन हमें मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को बताइएगा और जा करके बताइएगा कि मेरा इतना टाइम जो हो जाएगा, तो उसमें जाइएगा और बताइएगा कि मेरा मूल प्रमाण पत्र दीजिए, तो वो अपना जो भी बना रहेगा तो आपको दे देगा। ठीक है, नहीं देगा तो फिर भी आप लोगों को ट्राई करते रहना, ऐसा नहीं कि आप चालान कटा लिया छोड़ दिए तो फिर भी छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जरूरत हो तो एक बार दो बार अवश्य विजिट कर लीजिएगा विश्वविद्यालय, ताकि आपके मूल प्रमाण पत्र जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ये आप लोग याद रखेंगे। तो मूल प्रमाण पत्र पहले तो आप लोगों को अपने कॉलेज से संपर्क करके देख लेना है। मुझे पहले यह जानकारी था कि जो मूल प्रमाण पत्र है ग्रेजुएशन का वो कॉलेज नहीं जाता है और वो विश्वविद्यालय में ही मिलता है, जो कि मुझे पहले पता था। लेकिन जब मैं अपना चालान कटा लिया ये वाला, तो उसके बाद मैंने पूछा कि मूल प्रमाण पत्र, तो बोला कि आपका मूल प्रमाण पत्र कॉलेज चला गया, 15-18 का सबका कॉलेज चला गया है। तो फिर कहा कि आप कॉलेज चले जाइएगा। ठीक है, तो कॉलेज जाइएगा तो पहले आप लोगों का अगर मूल प्रमाण पत्र बन गया, 2-3 साल हो गया है ग्रेजुएशन किए हुए, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कॉलेज में जाना है। ठीक है, कॉलेज में पूछ लेना है कि मूल प्रमाण पत्र आया है या नहीं आया, तो बोलेगा कि आ गया है तो कॉलेज से आप ले लीजिएगा, यूनिवर्सिटी जाने के कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका खो जाता है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, और अगर आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र लेना है नया वाला तो वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए सबसे पहले अपने कॉलेज में अवश्य विजिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।